छाती में फोड़ देंगे। साहेब लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर बांट रहे थे लोकतंत्र का ज्ञान। उधर ठीक उसी वक्त मुसलमानों को सबक सिखाने का हो गया ऐलान। आजाद भारत की 77वीं सालगिरह पर मुसलमानों के खिलाफ खाई गई कसम, मन भर कर उगली गई गंदगी, खुलेआम दी गई धमकी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पक्का कर दिया गया एजेंडा, मुसलमानों को निशाना बनाने की तैयारी का ऐलान। मुश्किल में मुसलमानों की जान। ये 18वीं शताब्दी का वीडियो नहीं है, बल्कि इसी दौर में इसी साल के इसी महीने की 15 तारीख का वीडियो है, जब पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से मिली आजादी का जश्न मना रहा था। ठीक उसी वक्त लोकतंत्र के नाम पर गुंडे की नुमाइश की जा रही थी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वालों को न इनकी बोली सुनाई दी होगी, न दिखी होगी इनकी गुंडई कि डंके की चोट पर किया गया ऐलान, दुश्मन है अपना मुसलमान तो टूट पड़ो उन पर। ये वीडियो मध्य प्रदेश के मालवा का है, जहाँ विश्व हिंदू परिषद का नेता बताए जाने वाला कुंदन चक्रवात नाम का ये आदमी खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा था। हैरान मत होइएगा, क्योंकि जिस प्रदेश में ये तमाशा कर रहा है, बार बार मुसलमानों के खिलाफ गंदगी फैला रहा है, उस प्रदेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं। पहली दफा जो जख्म कमल छाप नेताओं को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था, उससे उबरने में हाकिम के लिए ऐसे लोग ही हकीम का काम करते हैं। तो छोड़ दिया गया चौक चौराहे गली नुक्कड़ पर ऐसे लोगों को, जाओ गुदड़ी के लाल, जाकर बनाओ माहौल, एक एक को झकझोर कर रख दो कि किसी की हिम्मत ना होने पाए कि इस बार का चुनाव हरा पाए, तो सरकारी आशीर्वाद से खुलेआम फैलाई गई नफरत। इस वीडियो को काशिफ ककवी नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया और दावा किया कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के मालवा का है। लेकिन अफसोस, बार बार इस तरह की धमकी देने वालों के गिरेबा पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं है। स्पेशल डेस्क द कंटाप।